हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द चेंज द वॉइस। चेंज द वॉइस मींस कर्म या वाच परिवर्तन, इसको बोल सकते हो वाच। वॉइस मींस वाच, चेंज मींस परिवर्तन, वाच परिवर्तन। तो इसमें दो होता है, जैसे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव मीन्स क्या होता है? कर्तवाच, इसको क्या बोलते हैं? कर्तवाच। और पैसिव को कर्मवाच। तो सबसे पहले इसको जानने के पहले हमको आपको केस के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो थोड़ा सी जानकारी आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे, जिससे आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। ये हम केस के बारे में जानकारी शॉर्ट में दे देते हैं। देर ये आपको दिया गया, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो इसमें होता क्या है, यदि आपको पहले आगे मैं बता चुका हूं कि पहले टेंस अच्छे तरीके से आना चाहिए। इसमें आठ टेंसों के आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट का ही आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो सबसे पहले जानने की जरूरत है कि ये होता कैसे है, कैसे हम इसका परिवर्तन करते हैं। तो जिन बच्चों को टेंस आता होगा उनको तो बहुत ही आसानी होगी समझने के लिए, जिन बच्चों को नहीं आता होगा उनको थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो हम इसके बारे में भी, केस के बारे में ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही जब टेंस की शुरुआत की थी तभी सभी बच्चों को इसके बारे में बताया गया था और समझाया गया था इसका मतलब क्या है। आई मी माई यू योर, तो अपने अंग्रेजी भी बताया था इसमें। बहुत सारे बच्चे केयर के लिए ध्यान दिए, लेकिन आपको आज इसमें सख्त जरूरत है, बिना इसके आप पैसिव वॉइस चेंज करना आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इसलिए सबसे पहले हम इसके बारे में जानकारी, इसका मतलब क्या होता है कर्त, इसको हिंदी में कह सकते हो कर्तवाच, और इसको क्या बोलेंगे कर्मवाच। क्या बोलेंगे? कर्म वाच। अब हम सेंटेंस के कुछ रूल बताएंगे, कैसे आपको बदलना है उसके रूल लिख लेते हैं, फिर इसके बाद इसके बारे में जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम रूल लिखेंगे, इसके बाद आपको उसके बारे में जानकारी हो पाएगी। पहले हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से। किससे शुरुआत करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से शुरुआत हम करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब जानते ही हो, लेकिन इसका मतलब यहाँ पर नहीं है। हम शुरुआत करते हैं और इसमें भी अपर नेटिव सेंटेंस हम लिखेंगे, क्योंकि सबका भी इसमें एक एक करके हम बताते जाएंगे। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, स्वीकारात्मक वाक्य है। इसका हम रूल आपको बताते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का भाग पहला भाग और अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो मैं एक सेंटेंस लिखने के पहले हम आपको कुछ रूल दे देते हैं। रूल उसका क्या होता है, पहले हम न्यू सब्जेक्ट अर्थात जो हमारा नया सब्जेक्ट बनेगा तो हम ऑलरेडी लिख लेते हैं ऐसे न्यू सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? न्यू सब्जेक्ट हमारा जो बनेगा उसको हम बताएंगे, तभी आपको समझ में आएगा। न्यू सब्जेक्ट
प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में कंटीन्यूअस की लग जाती है इज, एम, आर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, क्या आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई आता है प्लस टू आता है। ये आपका रूल बन गया, किसका बना ये, ये आपका बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस का। ये रूल बना लीजिए, इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है और दूसरे फॉर्म को याद करने की जरूरत इसमें नहीं होती। इसमें इज, एम, आर लगा मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट जो शुरुआत करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब बनेगी पैसिव वर्ब बनाते वक्त इज, एम, आर का ही प्रयोग करते हैं। सिंगुलर प्लूरल आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, टेंस के बारे में ये बोला गया टेंस अच्छे से आना चाहिए। तो वाई का प्रयोग प्लस न्यू ऑब्जेक्ट, न्यू ऑब्जेक्ट क्या बनेगा उसके रूप, हमें सेंटेंस आपको देते हैं उसके अकॉर्डिंग टू द टेंस, इसके बाद आप आराम से समझ सकते हो। जैसे यू लिखा गया, यू गो टू स्कूल, मैं एक सिंपल सा अफर्मेटिव सेंटेंस आपके सामने रख दिया, यू गो टू स्कूल, ए आपका क्या हो गया, ए एक्टिव वॉइस, इसका नाम है एक्टिव वॉइस, जो हम चेंज करने जाएंगे इसको हम लिख सकते हैं ये एक्टिव, क्या लिख सकते हैं ए एक्टिव वॉइस। अब हमको पैसिव में करने के लिए क्या रूल लगा है वो आपके सामने लिखा गया है। तो बताया गया है कि न्यू सब्जेक्ट, हमारा न्यू सब्जेक्ट क्या बनेगा और यहाँ पर न्यू ऑब्जेक्ट क्या होगा। सबसे पहले चीज है ये हमारा सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इसको तो आपको पता है, इसको सब्जेक्ट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको ऑब्जेक्ट, इसको वर्ब। तो जो ऑब्जेक्ट होता है वही हमारा न्यू सब्जेक्ट बन जाता है। मीन्स स्कूल क्या है, सिंगुलर नंबर एक वचन में है, तो हम इसको लिख सकते हैं द स्कूल, क्या लिख सकते हैं द स्कूल, हमारा ये न्यू सब्जेक्ट बन गया द स्कूल। अब इसके बाद सिंगुलर नंबर के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इज लगाएंगे, कैम लगाएंगे, का लगाएंगे, ये आपको पता है कि हम सिंगुलर के साथ इसका प्रयोग करते हैं, इज लगा दिए। द स्कूल इज, आप लिख सकते हो द स्कूल इज, क्या लिखोगे इज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ये सबसे ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत है, इसका होता है गॉन और भाई, ये चीज न्यू ऑब्जेक्ट के लिए बन जाता है, यहाँ पर हो जाएगा यू, ये द स्कूल इज गॉन बाय यू, मतलब आपके द्वारा स्कूल जाया जाता है, इसको हम हिंदी में कह सकते हैं। तो यू कैसे परिवर्तन हुआ, यहाँ पर यह सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर यू आता है तो दूसरा ऑब्जेक्टिव केस में यू आएगा, आएगा मी, यू का यू, दे का जन, वी का अस, ई का ही, सी का हर, इट का इट, ये ध्यान देने की जरूरत है दोनों चीजों। तो यहाँ पर हम दूसरा एक सेंटेंस लिख देते हैं, जैसे बोल दिया जाए कि टीचर टीचर यू, ऐसे लिख देते हैं, या दूसरा एक सेंटेंस दे देता हूँ आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग है, थोड़ा मैं अच्छे से आपको जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे मैं दे दिया दे हेल्प, क्या लिखोगे दे हेल्प मी, मैं एक सेंटेंस लिखू दिया यहाँ पे। अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे, रूल आपके सामने है, न्यू सब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा मी, मी हमारा इधर आएगा और ये सब्जेक्ट हमारा न्यू ऑब्जेक्ट के रूप में जाएगा। ये देखो मी को हम इधर लेते हैं तो क्या आता है आई आता है, तो यहाँ पर हम आई लिखेंगे, क्या लिखेंगे आई, आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे आई एम का प्रयोग करेंगे आई एम। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, हेल्प का वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी हेल्प हो जाएगा, क्या हो जाएगा हेल्प। अब बाइक का प्रयोग ऑलरेडी यहाँ पर दिया गया है, बाइक लिख देंगे। इसके बाद न्यू ऑब्जेक्ट, न्यू ऑब्जेक्ट हमारा ये है दे, अब दे उधर जा रहा है ऑब्जेक्ट की तरफ, तो दे का क्या होगा यहाँ पर दे, ये आपका सेंटेंस होगा। तो दे हेल्प मी, इसको हम पैसिव वॉइस, ये एक्टिव था तो यहाँ पर हम एक्टिव लिख देंगे,
एक्टिव है और ए क्या है पैसिव है। तो आई एम हेल्प बाय देम, उनके द्वारा मेरी मदद की जाती है, तो ऐसा हम कह सकते हैं। तो दे हेल्प मी, वे मेरी मदद करते हैं ना, तो इसमें क्या है आई एम हेल्प बाय देम, तो ये आपका पैसिव है हो गया, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसको ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप अपने हिसाब से बना सकते हो और लिख सकते हो। तो ये सबसे ज्यादा जरूरत है आपको, इसको आपको याद करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। आई का मी, मी का आई, अगर सब्जेक्ट रहेगा ऑब्जेक्ट के रूप में जाएगा मी हो जाएगा, मिस इधर का इस साइड में है मी इधर आया, अगर बदलेगा तो सब्जेक्ट मिस सब्जेक्ट जब बनेगा तो मी का आई हो जाएगा। ऐसे सारे परिवर्तन लिखते हैं, ये दो चीज इसमें ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है आपको। अब मैं एक सेंटेंस और आपको देता हूँ, उसके आधार पे आप कर सकते हो। इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन टेंस जिन बच्चों को आता है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर बोल दिया जाए यू रीड बुक, ये मैं एक अफर्मेटिव सेंटेंस दे दिया यू रीड बुक। अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमारा ऐसी बात बनाएंगे ये भाग इधर आएगा और इसके स्थान पे ये जाएगा बाय को लिख करके। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बुक लिख देंगे, बुक हमारा सिंगुलर नंबर हो गया, तो बुक के साथ क्या लगाएंगे इज लगाएंगे। बुक इज रीड का थर्ड फॉर्म रीड होता है, तो यहाँ पर भी बुक इज रेड बाय यू का देखो चाहे इधर जाए चाहे उधर यू का दोनों एक होता है, ऑब्जेक्टिव नॉमिनेटिव केस वो दोनों वही होता है यू का, इसलिए हम यू को चेंज नहीं करते यू वही करता है। तो बुक इज रेड बाय यू, ये आपका हो गया पैसिव वॉइस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम नेक्स्ट आपको बताने जा रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या रूल है, सेम ऐसे ही रूल है, तो हमें मार्क्स आपको करना है, बाकी आप धीरे धीरे समझ जाएंगे कि कैसे पैसिव वॉइस होता है नेगेटिव सेंटेंस। इसका रूल आप ध्यान दीजिए। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, न्यू सब्जेक्ट लिखिए, न्यू सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जैसे आप लिखते थे हेल्पिंग वर्ब आपका क्या आ गया इज आई एम आर, प्लस क्या लगाएंगे नॉट का प्रयोग कर देंगे जैसे टेंसों में करते हैं। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हमेशा आएगी, इसलिए भाई अब इसके बाद न्यू ऑब्जेक्ट लिख देंगे। एकदम आसान सा, कोई दिक्कत नहीं है, जिन बच्चों को टेंस आता है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जिन बच्चों को नहीं आता उनको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी। तो न्यू सब्जेक्ट, अब मैं एक सेंटेंस दे रहा हूँ, जैसे ही डज नॉट, क्या लिखोगे ही डज नॉट टीच मी, ये आपका सेंटेंस। अब हम उसको चेंज कर लेंगे किसमें पैसिव वॉइस में, एक और क्या दिया गया एक्टिव दिया गया, अब हम चेंज कर किसमें करेंगे पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस को चेंज करने के लिए हमको क्या करना है रूल आपके सामने है, तो हम मी को क्या करेंगे न्यू सब्जेक्ट के रूप में बनाएंगे, तो मी का हमारा क्या हो जाएगा आई, आप यहाँ पर देख सकते हो मी का आई है। तो ये दो चीजें ध्यान देना है, मी का आई, आई के साथ लगता क्या है आई एम लगता है, ये आप जानते हो आई एम। इसके बाद नॉट का प्रयोग किया गया है, नॉट हम लिख देंगे आई एम नॉट। अब टीच मीन्स यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है टॉट, टॉट इसके बाद बाई लिखोगे, इसके बाद ही का क्या हो जाएगा ही का हिम हो जाएगा, ये आपका पैसिव वॉइस निगेटिव का बन गया, प्रेजेंट इंडिकेटिव का जो निगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस आपका बना। ऐसे अब नेक्स्ट वीडियो में आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानकारी देंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या रोल है पैसिव वॉइस में, उसको ध्यान देने की ज़्यादा जरूरत है। और सब्सक्राइब लाइक करना कभी मत भूलिए, बहुत सारे आपको ग्रामर मिलेंगे।